पुत्र तम हाथी को तेरी हस्ती सताते गरीब को तुम रहम लाते नहीं, रहम लाते नहीं। बीच में नहीं बोलना चाहिए। ग्यारह साले राम प्रसदवा साला तो किस गुरूर में चूर है, कर्ज हमसे ले रखा है, साले काम पे क्यों नहीं आता? अरे गुरूर ठाकुर साहब, जिसके घर में खाने के लिए दाना ना हो, दवाई करने के लिए पैसा नहीं, वो इतनी मोटी रकम कैसे अदा कर सकता है? दिन पर दिन बीमारी बढ़ती जा रही है, एक पैसा नहीं कि मैं अपना इलाज कर लूं। ए साले बुड्ढे, हम तेरी रामायण सुनने नहीं आए हैं, हाजिरी देने क्यों नहीं आता, काम पर क्यों नहीं आता? बहुत भी माल हूं साहब, बहुत भी साहब, दिन पर दिन हालत बिगड़ती चली जा रही है। अरे हराम खोर, खा खा के साले मोटा हो गया है, हराम खोरी तेरे चढ़ गई है। ठाकुर साहब, आज काम पर चलेगा या हमारा कर्ज अभी देगा? कहां से दे दूं ठाकुर साहब, कहां से दे दूं? सुबह रोटी एक खाने को मिलती तो शाम को नहीं, शाम को मिलती तो सुबह नहीं, कहां से आपकी रकम अदा कर दूं? मार मार के तुझे लाल कर दूंगा हराम।
ये आप क्या करें ठाकुर साहब, हम मेरे बापू को मारे हैं। देखिए हमारे बापू इस बीमार चल रहे हैं और आप उस पर अत्याचार कर रहे हैं, ऐसा मत करिए ठाकुर साहब। क्यों बापू को मार रहे ऐसा कैसे चलेगा रे ठाकुर साहब, मेरे बापू बीमार है, इस हालत में ये काम कैसे कर पाएंगे? ये नहीं कर पाएंगे, तू करेगा। मेरा कर्जा भी चाहिए, ये साला आज काम पे चलेगा। नहीं ठाकुर साहब, हम पर दया कीजिए, हम आपसे वादा करते हैं हम आपकी पाई पाई रकम आपकी अदा कर देंगे, लेकिन हमें सिर्फ एक महीने की मोहलत दीजिए ठाकुर साहब। एक महीने की मोहलत? हाँ ठाकुर साहब, सोचना पड़ेगा। लेकिन सोच ले, एक महीने की मोहलत हम तुझे दे रहे हैं, लेकिन एक महीने में अगर हमारा कर्जा नहीं चुका दिया तो तेरा सारा घर बार नीलाम करवा दूंगा, एक एक तन के लिए मोहताज बना दूंगा, तन के एक एक कपड़े उतरा दूंगा, तेरे सारे घर के बर्तन उठाने जाऊंगा। नहीं रहेगा, वादा करते हैं जब आपकी रकम आपको जरूर वापस कर देंगे हम। हाँ याद रहे, एक महीने की मोहलत तो हम दे रहे हैं, अगर एक महीने में हमारा कर्ज नहीं अदा कर पाए तो तेरा सारा घर बार नीलाम करवा दूंगा। याद रहे, सिर्फ एक महीना। ठीक है ठाकुर साहब, एक महीना। चल हमारे साथ। बापू, तूने बिना सोचे समझे फैसला कैसे ले लिया कि एक महीने में तू इतनी बड़ी रकम अदा करेगा बेटे? अरे जिसके घर में खाने के लिए एक दाना नहीं, एक पैसा नहीं, कितने दिन से मैं बीमार हूँ, दवाई लाने के लिए एक पैसा नहीं, फिर बेटे पता इतनी बड़ी रकम हम कैसे अदा करेंगे? क्या करें? तू तो जानता है बेटे कि सुबह रोटी मिलती तो शाम को नहीं, शाम को मिलती है तो सुबह नहीं, फिर इतनी बड़ी रकम हम ठाकुर साहब की कैसे अदा कर पाएंगे? बेटे कर्ज कैसे अदा हो, कर्ज कैसे अदा हो, कुछ बिचारा नहीं, कर्ज कैसे अदा हो। Thank you.
स्वामी आज आपने तो मेरे मुंह की बात कह दी। मैं भी यही चाहती थी कि आप परदेश जाएं, अच्छी सी कोई नौकरी करें जिससे कि हमारे घर की गरीबी दूर हो जाए। हाँ बेटी, तो मैं भी चाहता हूँ लक्ष्मी आप जाएं, परदेश जाऊंगा और वहां कमाऊंगा, बहन की आंखों का इलाज कराऊंगा, मुन्ने की पढ़ाई कराऊंगा और ठाकुर साहब का कर्जा भी अदा करना है। स्वामी भगवान करे आप जैसा सोचते हैं हमेशा हमेशा के लिए अच्छा ही हो, मगर आपकी परदेश जाने से पहले मैं अपनी आरती उतारना चाहती हूँ। आरती? हाँ ठीक है।